सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किर्लोस्कर HA694 इंजन का पहला वीडियो है। इसके अलावा और तीन वीडियो और है जो कि हम एक एक करके सारे अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हमें क्या बताना है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बता दें कि आज की जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे पिस्टन और लाइनर के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, पिस्टन रिंग का गैप कितना होना चाहिए, कनेक्टिंग बेयरिंग कैसा फिटिंग करते हैं, पिस्टन किस पोजिशन पर रहता है, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम इंजन के पास और सबसे पहले हम उठाते हैं एक लाइनर और एक पिस्टन। दोस्तों, सबसे पहले बता दें हम कि ये जो लाइनर है और पिस्टन है ये दोनों ही ओल्ड हैं। इस लाइनर और पिस्टन के बीच में जो गैप होगा थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये ओल्ड है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है टाइपिट गेज। अगर ये टाइपिट गेज आप लोगों के पास नहीं है तो इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें से दो तीन ब्लेड को निकाला है। इस ब्लेड से हम इस पिस्टन रिंग का गैप को चेक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, जो नया लाइनर है और नया पिस्टन है, अगर उसमें रिंग डालकर हम उसका अगर गैप चेक करेंगे तो उसका जो गैप होना चाहिए 0.05 mm से लेकर 0.10 mm तक, ठीक है। बट दोस्तों, हमारे पास अभी ये पिस्टन भी ओल्ड है और लाइनर भी ओल्ड है। तो चलिए हम गेज डालकर देखते हैं और ये कितना mm आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑयल रिंग और ऑयल रिंग में हम जो गैप चेक कर रहे हैं इसमें जो गैप आ रहा है 0.010 mm। चलिए हम इसे निकालते हैं बाहर और कंप्रेसर रिंग डालते हैं और कंप्रेसर रिंग डालने के बाद में देखते हैं कि कंप्रेसर रिंग का गैप कितना आ रहा है। दोस्तों, कंप्रेसर रिंग का जो गैप है वो आना चाहिए 0.010 mm से लेके 0.015 mm तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये ओल्ड लाइनर और पिस्टन है इसलिए इसमें आ रहा है 0.020 mm, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख सकते हैं, हमने अब टॉप रिंग को लगा दिया है, अब टॉप रिंग का भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो टॉप रिंग का जो गैप आना चाहिए हमने बताया था, जो ऑयल रिंग का गैप आना चाहिए वही टॉप रिंग का भी आना चाहिए, मतलब 0.05 mm to 0.010 mm, ठीक है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए, हमने तीनों रिंग का गैप चेक कर लिया और तीनों रिंग के बारे में हमने जानकारी भी आपको दे दी, ठीक है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, अब हम चेक करते हैं पिस्टन का प्ले। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने अभी 6 थाव का गेज लगाया है। 6 थाव मतलब अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.015 mm होता है, बट दोस्तों इसमें जो एक्चुअल जो प्ले रहना चाहिए 0.010 mm एक्चुअल इसका गैप रहना चाहिए। बट दोस्तों, अभी हमने जो लाइनर और पिस्टन हमने जो चेक किया उसमें जो आ रहा है 0.015 mm का गैप आ रहा है, मतलब सीधा सीधा बोले तो 0.05 mm कट गया है, मतलब घिस गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पिस्टन में पिस्टन रिंग फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ऑयल रिंग फिटिंग करना है। तो दोस्तों, रिंग फिटिंग करते समय आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जो देख सकते हैं रिंग के ऊपर टॉप लिखा हुआ है, मतलब कुछ नंबरिंग लिखा हुआ है और टॉप भी लिखा हुआ है, वो टॉप वाला जो भाग है वो ऊपर ही होना चाहिए। सभी रिंग को ऊपर ही रख के फिट करना है। उसके बाद में ऑयल रिंग इजीली फिट हो जाता है। जो ऑयल रिंग के जो नीचे वाला जो रिंग है उसके ऊपर प्रॉपर उसको बिठाना है और उसके बाद रिंग को अच्छी तरह से घुमाकर देख लेना है कहीं फंस तो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमें फिट करना है कंप्रेसर रिंग। तो देख सकते हैं कंप्रेसर रिंग पे भी ऊपर टॉप लिखा हुआ है, तो ये जो टॉप वाला जो पोजीशन है वो एनी टाइम कभी भी जब भी रिंग फिट करते हैं वो ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कंप्रेसर रिंग भी फिटिंग हो चुका है, इसे भी हम घुमाकर देख लेते हैं कहीं रिंग फंस तो नहीं रहा है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये ओल्ड पिस्टन और ओल्ड रिंग है,
इसलिए इस पिस्टन में रिंग फंसने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें जब भी आप पिस्टन रिंग फिटिंग करें उस समय आपको ध्यान देना है, हर रिंग को घुमा घुमा कर आपको देखना है और फिटिंग करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है टॉप रिंग। टॉप रिंग थोड़ा सा हार्ड रहता है, ये हाथ से जल्दी नहीं फिटिंग होता है। बट दोस्तों अगर आप लोगों से फिटिंग हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आप रिंग कैचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से पिस्टन रिंग को फिटिंग कर लिया है और हमने आपको बताया भी पिस्टन रिंग किस प्रकार से फिटिंग करना है। और हम अगली वीडियो जब बताएंगे दोस्तों उसमें हम बताएंगे आपको कि पिस्टन कैसा फिटिंग करना है, सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कनेक्टिंग का कैप है और कनेक्टिंग है उसके ऊपर वो मार्क लगा हुआ है, और ये कनेक्टिंग के कैप पे ये जो पिन दिख रहा है ये पिन मिलाकर आपको इसको फिट करना होगा। तो चलिए हम कनेक्टिंग बेयरिंग को लगा देते हैं। इस प्रकार से आपको वो पिन का कॉलर मिलाना है और कनेक्टिंग बेयरिंग को फिट कर देना है, और उसी प्रकार से कनेक्टिंग बेयरिंग का भी गाला मिलाकर उसको फिट कर देना है, और जो कैप है कैप का पिन का जो गाला मिलाकर कैप को फिट करना है। जब भी आप फिटिंग करें तो मार्क मिलाकर ही आपको फिट करना है, और कैप के ऊपर और कनेक्टिंग के ऊपर नंबर होता है उस नंबर को मैच कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और नहीं लग रही होगा दोस्तों तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देख सकते हैं ये ऊपर में नंबर दिख रहा है और ये रहा पिन। इस प्रकार से आपको कनेक्टिंग को फिट कर। चलिए अब हम बात करते हैं पिस्टन फिटिंग की। तो पिस्टन का जो ऊपर का टॉप का पोजीशन है उस पर एक निशान दिख रहा होगा एरो का, वो फ्रंट साइड में आएगा, ठीक है, मतलब सामने साइड में। अब उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं ये पिस्टन के ऊपर ये मोटा भाग है और ये पतला भाग। तो पतला भाग जिस साइड में होना चाहिए, जिस साइड में नोजल रहे। दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा जो कि हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो पिस्टन का जो पतला वाला कॉलर वाला भाग है वो नोजल साइड में ही रहता है। आप कोई भी इंजन का देख लेना, ये जो हमने अभी बताया आपको इंजेक्टर पोजिशन वाला, ये चीज़ को ही नहीं बताता दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि इंजन का होता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको पार्ट टू में पिस्टन लाइनर कैसा फिटिंग करते हैं, वो सारा डिटेल के साथ में हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर आप इस इंजन के सारे सीरीज को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना।